उमरिया जिले के ख्याति प्राप्त शक्तिपीठ ज्वाला धाम उचेहरा में नवरात्रि पर्व के दौरान भक्तों की अपार भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंच रही है, जहां माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिले के उचेहरा गांव स्थित शक्तिपीठ माता ज्वाला मंदिर धाम में नवरात्रि पर्व के दौरान माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहां मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा दर्शन के लिए आए भक्तों का हाथ सैनिटाइज कर मास्क के साथ दर्शन करवाए जा रहे हैं। जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिए निर्देशों का पालन कर भक्त दर्शन लाभ ले रहे हैं। देखिए, यहाँ विगत अभी 2 साल से कोरोना के चलते मंदिर पूरा बंद था, उसके चलते भक्तों का यहाँ पे आना जाना कम था, और जैसे कुछ कोरोना में मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुविधा मिली है, उसके चलते जो है श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह के साथ मंदिर आ रहे हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधक समिति जो है गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बराबर लाइन लगवा के सबको भंडारे का वितरण और एक एक करके दूर दूर रख के सबको मंदिर के दर्शन करवा रही है माता जी के। बोले ज्वाला मैया की जय। देखिए, लगभग 2 वर्ष बाद प्रशासन की तरफ से थोड़ा से भगवान माता रानी के दर्शन के लिए अनुमति मिली है, जिसमें एक बार में वही 25-30 से लेकर 50 तक भक्त जन आते हैं, जिनमें पूरी तरह से नियम का पालन किया जाता है। पहले उनका सैनिटाइजर करवाते हैं, फिर इसके बाद नाम लिखा जाता है और 6 गज की दूरी बना करके, और इसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो इस तरह से भक्तों का आना जाना दर्शन मिल रहा है, और कलश स्थापना भी हो गया, नॉर्मल ही है, ज़्यादा उसका वो नहीं है। मेन उद्देश्य जो है वो भक्तों का दर्शन है। जो 2 साल से कोरोना काल के कारण दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बार हमको खुशी है कि कम से कम प्रशासन ने अनुमति दिया भक्तों को दर्शन करने के लिए। और 17 तारीख को कलश जवारा विसर्जन होगा, जिसमें वो भी जुलूस प्रतिबंधित किया गया है, वही नॉर्मल अपना 10 कलश निकाल करके, और फिर इसके बाद अपना कमेटी के द्वारा जो भी कलश है उनको विसर्जन किया जाएगा। माँ ज्वाला उचेहरा धाम दर्शन के लिए आए हुए हैं मानपुर से। यहाँ की आस्था जो है बहुत ही भव्य है। यहाँ जो भी माता दर्शन करने के लिए आते हैं वो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में 25 से 50 तक दर्शनार्थियों की कतारें लगाई जाती है, उसके बाद एक एक करके भक्तों को पूजन दर्शन की अनुमति दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उमरिया।